मेरा नाम दीपक गुप्ता और मैं एक चीफ ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में। और मैंने यहाँ पे 6 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन उससे 7 साल पहले भी मैं एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा चुका था जो मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया था हैवी ड्यू मेथड से। उसके बाद मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी कि मुझे कराना ही नहीं है। लेकिन मैं जब पेशेंट देख रहा था तो 6 महीने पहले एक मिस्टर शर्मा जी आए जो यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके थे, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया डॉक्टर अनुज सहगल का कि एक बार आप जाके उनसे मिलिए तो सही। फिर मुझे आशा बंधा कि हाँ चलो अगर मिलता हूँ मैं। मैंने कम से कम यहाँ पे 3 से 4 बार विजिट किए सिर्फ ओनली कंसल्टेशन करने के लिए, और डॉक्टर अनुज ने मुझे हर बार बिल्कुल सेटिस्फाई आंसर दिया। और उन्होंने ये कहा था कि दीपक जी आप जब सर्जरी हो जाएगी तो कुछ 6 महीने बाद आप कहोगे कि आई एम सेटिस्फाई, क्योंकि आपको दोबारा हम रिपेयरिंग में कर रहे हैं। और ये बस एक ही रिपेयरिंग पार्ट इतना अच्छा होना भी बड़ी बात है। आप मेरी 6 महीने की पिक देख सकते हैं और अभी का देख सकते हैं, मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, ये रियली है। और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं कि मुझे कोई फेक बोलने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ, जो रियल है वो बता रहा हूँ आपको। 9-10 घंटे का टोटल प्रोसीजर था, लेकिन बहुत ही अच्छे से किया। प्री और पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से दिए गए, मेडिसिन वगैरह के बारे में सब समझाए गए, जब भी फोन किया हमेशा टाइम पर पिक किया, टाइम पर रिप्लाई किया। मतलब टोटल जर्नी फर्स्ट टू एंड 10/10, 10/10, मतलब हमेशा इनका रेटिंग रही मेरी नज़र में, तो पूरे संतुष्ट मेरे को इन्होंने किया। जो मैं इतना साइकिक हो पड़ा था कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, मैं एक बार तो कराना कैंसिल ही कर रखा था, बट इन्होंने मेरे हर एक चीज़ का अच्छे से आंसर दिया। मुझे भी संतुष्टि अपने आप से कि जो मैंने डिसीजन लिया वो मेरा सही था, इतनी सारी जगह सेंटर पे घूमने के बाद। थैंक यू सो मच।